सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। कहे तो हमेशा के लिए अपने फेसबुक अकाउंट को हटा सकते हैं। कोई भी नहीं आपके फेसबुक अकाउंट को देख सकता। सिंपल से आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, राइट साइड से ऊपर से आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के बाद गाइज आपको करना है सेटिंग्स में क्लिक। उसके बाद आपको ऊपर से एक ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा और आपको नीचे से ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। जी हाँ गाइज, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, उस पर करना क्या आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा और आपको नीचे से ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है डीएक्टिवेट अकाउंट और एक है डिलीट अकाउंट। डीएक्टिवेट में आपका अकाउंट कुछ समय के लिए छिप जाएगा, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है कि ये कैसे करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और नीचे दिया गया है डिलीट अकाउंट, तो यहाँ पे आपको अकाउंट हमेशा के लिए हटाना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिलीट अकाउंट और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि आप अपने अकाउंट को क्यों हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई एक रीज़न देना होगा। तो मैं यहाँ पे रीज़न दूंगा आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, मैं ढेर सारा टाइम जो है फेसबुक को दे चुका हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक करेंगे नीचे से, ठीक है गाइज, कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए फिर नीचे आना है और नीचे आपको फिर दबाना है डिलीट अकाउंट। उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि आप ही जो है अपने अकाउंट को डिलीट करना चाह रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अगर आप 30 दिन तक लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो मैं कंफर्म हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं करूँगा डिलीट पे क्लिक, डिलीट अकाउंट, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगी। हाँ गाइज, आपको ध्यान रखना है कि आप अगर अपने अकाउंट को परमानेंटली हटाना चाहते हैं तो आप 30 दिन तक अपने अकाउंट में लॉगिन करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। अगर बीच में आप कभी भी जो है अपने अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपका अकाउंट का जो यहाँ पे डिलीशन का जो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला गया है वो कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं योर अकाउंट इज शेड्यूल फॉर परमानेंट डिलीशन। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट 30 दिन तक अगर आप लॉगिन नहीं करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे लॉग आउट भी कर दिया गया है, यानी कि मेरा अकाउंट डिलीट होने के लिए चला गया है। सो गाइज, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जैसा ही पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।